खुद ब खुद हमारा फ्रिज खुल जाता था, फ्रिज बंद हो जाता था। नाइट बल्ब जला था हमारे लॉन्च में, मेरी बॉडी बिल्कुल पैरालाइज हो गई, मतलब इतना कि मुझे उनकी सांसें फील होने लगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है गाइस, लॉन्ग टाइम वीडियो अपलोड नहीं की, उसके लिए सॉरी। एक्चुअली आज जो स्टोरी लेके आया हूँ वो बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, ठीक है। एक नॉर्थ नाजमाबाद के इलाके में हमारी एक सिस्टर है, उनकी एक स्टोरी है जो हम उनके ज़बानी, उनके मुंह के ज़बानी सुनेंगे इंशाल्लाह। तो स्टोरी बयान करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, कमज़ोर दिल के मालिक, जो भाई बहन कमज़ोर दिल के मालिक है वो ये स्टोरी से दूर रहें, उनको प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को स्किप कर दे, वीडियो को मत देखें, ठीक है, क्योंकि उनके लिए यह स्टोरी नहीं है। बहर स्टोरी का आगाज़ करते हैं और स्टोरी को सुनते हैं अपनी सिस्टर के, जो हमारी सिस्टर है वो हमें बताएं क्योंकि घर में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हुआ, उसके भाई के साथ क्या हुआ, उसके फैमिली के साथ क्या हुआ, वो एवरी थिंग्स वो हमें बताएंगी अपने इस ब्रॉडकास्ट में, अपने इस स्टोरी में। कोई ना कोई नेक काम और अच्छा काम डेफिनेटली कर रहे हो, कमज़ोर आईडी विद दैट, अगर क्लियर है क्या, लिटरली कांट वेट द रिजल्ट। आई एक्चुअली जस्ट टर्न्ड इन माय रेजिग्नेशन एंड आई स्टार्टेड मेकिंग मनी ऑन डे 1। आई एम मेकिंग दैट। हम नौतजबाद के कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम भाई, मैं सरहद से अपना एक वाक्य शेयर करना चाहती हूँ जो कि हमारे साथ हुआ था हमारे घर में। हम नौतजबाद के पोर्शन में रहते थे, हमने जब से वो पोर्शन लिया था वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस फील होती थी, तो लेने के कुछ टाइम बाद हमें ऐसी फील होती थी, ऐसा मतलब खुद ब खुद हमारा फ्रिज खुल जाता था, फ्रिज बंद हो जाता था। और ये नॉर्मल दिन में कभी भी होता था, दो तीन बार ऐसा होता था कि फ्रिज हमारा खुलता था क्योंकि लॉन्च में फ्रिज था और वो बंद हो जाता था, तो इस टाइम फ्रिज खुल के ऑटोमेटिक बंद हो रहा है। तो बहुत सारा हम नौतजबाद के कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम भाई, मैं सरहद से अपना एक वाक्य शेयर करना चाहती हूँ जो कि हमारे साथ हुआ था हमारे घर में। हम नौतजबाद के पोर्शन में रहते थे, हमने जब से वो पोर्शन लिया था वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस फील होती थी, तो लेने के कुछ टाइम बाद हमें ऐसी फील होती थी, ऐसा मतलब खुद ब खुद हमारा फ्रिज खुल जाता था, फ्रिज बंद हो जाता था। और ये नॉर्मल दिन में कभी भी होता था, दो तीन बार ऐसा होता था कि फ्रिज हमारा खुलता था क्योंकि लॉन्च में फ्रिज था और वो बंद हो जाता था, तो इस टाइम फ्रिज खुल के ऑटोमेटिक बंद हो रहा है। तो बहुत दिन में तीन से चार बार असरात हैं या कुछ ने बोला कि आप पे जादू किया हुआ है, क्योंकि हमारी फैमिली में कुछ ऐसे रिलेटिव हैं कि जो जादू के उसमें हैं। तो ये मेरे साथ एक हुआ था जब मैं मैट्रिक में थी, तो मेरा फिजिक्स का पेपर था, मैं और हम थोड़े हम लोग पढ़ाई में हम लोग बड़े स्ट्रिक्ट होते थे, तो हम सुबह से उठ के जब गैप होता था हम सुबह से उठ के पढ़ते थे। तो मैं सुबह उठी और सुबह उठ के मैं अपनी अम्मी के बेडरूम में आई, बेडरूम से हमारी अम्मी के गैलरी जो टेरिस होता है बालकनी का एरिया वो लगता था और वॉशरूम था अटैच। तो उस फ्लैट घर में हमारे साथ थोड़ा सा पानी का इशूज़ था, तो हमने अपनी खुद की बोरिंग करवा ली थी जिसकी मोटर हमने अपनी बालकनी में ही लगवा ली थी, उसका स्विच भी वहीं था। मैं सुबह उठ के जब अपने अम्मी के बेडरूम आई, मेरी अम्मी ने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, वो कपड़े धोई थी बाहर के घर टेरिस में ही, तो उन्होंने कपड़े अपने धोए, इसके बाद मैं उठ के बैठ के पड़ गई। तो मेरी आदत है कि मैं थोड़ा सा उल्टा हो गया जैसे लेट जाते हैं, उस तरह लेट गई। मैंने अपना मुँह हाथ धोया और अम्मी ने मुझसे बोला कि तुम चाय वाय पियोगी, मैंने कहा नहीं मैं नाश्ता वाश्ता नहीं, मैं पड़ गई। तो मैं उल्टी उल्टी लेट के पढ़ने लगी, अम्मी ने अपने कपड़े अपने धोए, अम्मी ने मुझसे जब अम्मी के कपड़े धुल गए तो अम्मी ने मुझसे बोला मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जाके सो जाती हूँ और तुम जो है ये मैं टंकी ऑन कर देती हूँ, तो तुम इसको चेक कर लेना, टंकी भर जाए तो तुम इसको लाजमी बंद कर देना, नहीं तो बहुत सारा पानी बह जाए। मैंने कहा तुम जाग रही हो? मैंने कहा अम्मी मैं जाग रही हूँ। आप अम्मी ने मुझसे बोला नाश्ता दे दूँ तुम्हें? मैं कहा नहीं मुझे नाश्ता वाश्ता नहीं करना, मैं खुद ले लूँगी। अम्मी मेरी जाके सो गई। उस वक्त घर में कोई भी नहीं था, मेरा एक भाई था वो था और अम्मी थे, वो लोग सब एक रूम में जाके सो गए, मैं उठ के बेडरूम में लेटी हुई थी। सामने की तरफ मेरे वॉशरूम था और उस वॉशरूम के साइड में ही गेट से जो बाहर निकलता है वो वहाँ पे लॉन्च एरिया था, लॉन्च में हमारा किचन एरिया और ड्राइंग रूम का गेट था और मेन एंट्रेंस थी। तो जैसे कॉमन घरों में होता है कि आप एंटर होते हैं, लॉन्च होता है, फिर ड्राइंग रूम होता है और सामने दो बेडरूम होते हैं, सेम इसी तरह का हमारा एक अवामी नक्शे पे घर बना हुआ था। ओके, तो मैंने वॉशरूम की तरफ ही गेट मुंह अपना कर लिया कि अगर टंकी बहेगी तो मुझे आवाज़ मुझे पता चल जाएगा तो मैं फ़ौरन मोटर बंद कर दूंगी।
तो मैं उल्टियों की लेट गई, बुक मेरे नीचे रखी हुई थी तो मैं पढ़ रही थी। इतने में क्या होता है कि हमारे जो ड्राइंग रूम नाइट बल्ब जल रहा था हमारे लॉज में, ड्राइंग रूम से एक लेडी निकली जो मुझे What? लेडी निकली? बहुत अच्छी तरह याद है, वो निकली और उनकी हाइट तकरीबन होगी 6-6.5 फुट, मतलब अच्छी खासी 6-6.5 फुट हाइट। आज तक पाकिस्तानी है लोगों की हाइट है इतनी, ऐसे लोगों की हाइट है, बिग हाइट है, लेकिन ये तो कुछ खास ही मामला लग रहा है। तो वो निकल के निकली और मुझे पिंक कलर का उन्होंने, बेबी पिंक टाइप का उन्होंने ड्रेस पहना था, 3 पीस, और जिसकी शर्ट जो उनके घुटनों से ऊंची थी, गले में दुपट्टा था और इस हाइट पे उन्होंने बाल अपने बांधे हुए थे। वो निकली और जब वो निकली तो मैं उन्हें देखा और मेरी बॉडी बिल्कुल पैरालाइज हो गई, मतलब मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, लेकिन ना मैं बोल पा रही थी ना मेरी बॉडी हिल पा रही थी। मैं उल्टी होकर लेटी हुई थी और मैं बस सामने मेरी नजरें थी कि वो निकल के आई आ रही हैं, आके वो मेरे सामने आके खड़ी हो गई, मेरे बिल्कुल सामने आके, इतना सामने आके खड़ी हो गई। और उनकी हाइट काफ़ी थी तो जाहिर सी बात है मैं बेड पे लेटी हुई थी उल्टा होकर, तो मैंने इस तरह करके देख रही थी और तो उनको थोड़ा सा झुक गई मेरे, मतलब दोनों साइड पे अपने हाथ रखे वो मेरे मुंह तक झुक गई, इतना झुक गई कि मेरे यहाँ तक उनका फेस आ गया, इतना कि मुझे उनकी सांसें फील होने लगी। और मैं बोलना चाह रही हूँ, मैं आवाज़ देना चाह रही हूँ अपनी अम्मी को कि मैं आवाज़ दे दूँ या मैं हिल जाऊँ, मेरी बॉडी बिल्कुल नहीं हिल रही। गाइस कैन यू एक्सपेक्टेड, क्या आपके सर पे कोई आके खड़ा हो जाए और ऐसे झुक के आपको और आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाए, आप अपने ना हाथ हिला सके ना खुद को हिला सके, कैन यू इमेजिन क्या कंडीशन होगी उस वक्त, क्या हालत होगी उस थी। और मेरे मुझसे आवाज तक नहीं निकल रही थी और बस मैं उन्हें देख रही थी, इतने में टंकी भर के बहने लगी और मैं मुझे आवाज आ रही है कि हाँ टंकी भर के बह रही है, धड़ 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 पानी गिर जाए और मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बोल ही नहीं पा रही थी, इतनी ज़्यादा बॉडी बिल्कुल मेरे कंट्रोल में ही नहीं थी। फिर वो टक से एकदम से गायब हो गई, जैसे ही वो गायब हो उसी वक्त पता लगा कि दोबारा से मेरे बॉडी में एकदम जान आ गई, ऐसे ही क्या जब मेरे अंदर वो जैसे ही वो गायब हुआ मेरी बॉडी में जान आई, हिलने की मुझ में एबिलिटी आई, तो मैं इतनी ज़ोर से हिली कि पूरा बेड जो लकड़ी का एक वुडन बेड होता है वो पूरा लरज गया, इतनी ज़ोर से मैं हिली। और हिलने के बाद मैं अंदर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मैं भागी और अम्मी के पास जाके लेट गई। अम्मी के पास जाके लेटी, अम्मी ने बोला तुमने टंकी बंद कर दी, मैंने कहा मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, अम्मी को पानी गिरने की आवाज़ आई, अम्मी ने जाके मोटे बन के मुझ पर गुस्सा भी हुई कि तुमने देखो मैं तुम्हें बोला था तुमने टंकी बंद नहीं करी, इतना सारा पानी गिर गया, सारा वॉशरूम पानी। मम्मी को क्या पता उसके साथ क्या हो गया, मैं उनके पास बिल्कुल जाके चिपक के लेट गई। और जब मुझे थोड़ा सा होश आया, मुझे समझने की आई, फिर मैंने अपनी अम्मी को ये बताया, अम्मी मेरे साथ किस तरह हुआ है और मैंने देखा है बिल्कुल मेरे करीब आके, मेरे भाई वगैरह ने तो मेरा नहीं यकीन किया लेकिन, और उसके बाद मुझे बहुत तेज बुखार चढ़ गया, मेरी बहुत तबीयत खराब हुई, फिर अम्मी ने मेरी मुझ पर दम भम किया। इसके कुछ अर्सा बाद ये हुआ, जो भाई मेरा मजाक उड़ा था उस वो भी एक दिन हमारे को बहुत सारे मेहमान आए हुए थे तो उसको सोने की जगह नहीं मिल रही थी, तो उसने क्या किया ड्राइंग रूम का और जो दस्ता होता है दरवाजे का ही, उसने वहीं अपना मैट्रेस डाल के वहाँ ले लिया, वो वहाँ सो रहा था सुबह उसको, तो वो रास्ते में मैट्रेस बिछा के वो वहाँ लेट के सो गया। सुबह फजर लेडीज हैं तो वो हट गया, सुबह उठ के उसने सबसे पूछा कि सुबह फजर में फजर से पहले कौन उठा था, किसने मुझे उठाया था, तो सबने बोला भाई हम तो सब सो रहे थे और हम तो नहीं उठे क्योंकि घर में दावत थी रात को, वैसे ही लेट सोए थे। तो फिर उसको यकीन आया, उसने बोला नहीं मुझे याद है वो कि कोई और ही था और उसने मुझे इशारे से मुझे उठाया, उसकी हाइट भी ज़रा ज़्यादा ही थी। तो ये हमारे साथ होता था और हमारे घर में उस घर में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती थी, थोड़े से पैसों वगैरह की भी थोड़ी तंगी हो जाती थी हमारे घर में, और हमारे घर का एक लिटरली एक एरिया था जो एक बालकनी का हाफ पोर्शन और जो हमारे लिविंग एक रूम में उसका आता था। 15 दिन बाद वहाँ से एक ऐसी बदबू उठती थी जैसे किसी के फंस गया हो या कोई, तो वहाँ कुछ भी नहीं होता था और हम परफ्यूम में डालते थे कुछ भी नहीं ख़त्म होता था, और वो खुद ब खुद एक टाइम पे आती थी, असर से मगरिब तक आती थी, असर के बाद वो एक वो बदबू आती थी और मगरिब के अजानों तक वो खुद ख़त्म हो जाती थी। फिर हमने वहाँ बहुत सारा दिखाया भी, सबने बोला कि आप पे जादू कर दिया है क्योंकि हमारे कुछ फैमिली के ऐसे रिलेटिव हैं जो जादू टोने में हैं,
क्योंकि हमारे हालात, मेरे अबू थोड़े अच्छी जॉब वगैरह पे थे, बाहर रहते थे तो इस उसमें थे, तो ये हमारे साथ होता था। और जब तक हमने घर नहीं छोड़ा वहाँ से, वो इसी तरह की बदबू आती थी, हमारे पैसों की भी तंगी होती थी, राशन जल्दी ख़त्म हो जाता था, फ्रिज खुलना बंद होता था, चीज़ें गायब हो जाती थी, इस तरह होता था। तो ये मेरा एक वाक्य है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। अब आप इस पर मुझे बताइएगा कि ये इसके बारे में क्या आप लोग कहते हैं, कि ये जादू था या वहाँ कोई असरात थे, क्या ऐसी चीज़ थी? जब कराची आबाद नहीं हुआ था, ये पूरा जंगल था, एंड वी ऑल नो दिस। हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो दादा थे, नाना थे, नानी थी, दादी थी, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे, वो हमेशा बताते थे ये पूरा एक जंगल होता था। और वही वाली बात है कि अगर इंसान को नज़र आना शुरू हो जाए कि दूसरी एंटिटीज़ यहाँ कितनी हैं, तो पैर रखने की जगह भी नहीं होगी। खैर, अगेन आप लोग पर डिपेंड करता है, आप लोग क्या सोचते हैं कि ये कहानी असल थी या कहानी मेड अप थी, फैसला आप लोगों के हाथ में। मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को दिखाना। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा होगा, अपनी वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और हमें व्हाट्सएप करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़। और काफ़ी डरावनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें वीडियो को, और जितना हो सके गाइस कमेंट्स करें और मुझे बताएं नेक्स्ट आपके लिए कौन सी स्टोरी लेके आऊँ। आपको हॉरर स्टोरी अच्छी लगती है या कुछ और आप लोगों के लिए, आप मुझे गाइड कर सकते हैं, आइडिया दे सकते हैं, मैं आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, आज का ख़त्म करते हैं। तो अस्सलामुअलैकुम।